और जबकि हम लोगों को साल में केवल दो ही बार पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, और अभी भी हम लोग को काफ़ी लंबे समय से पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग सभी विभाग का काम मन से कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने परसों माननीय कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया था, उनको मांग पत्र दिया, माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया। झारखंड आत्मा कार्मिक संघ रांची के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास आज दूसरे दिन भी सभी कर्मी, उप परियोजना निदेशक, लेखापाल, लिपिक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक और रात्रि प्रहरी अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हैं। सरकार से इनकी मांग है कि लंबे समय 2005-2006 से आत्मा कर्मी आत्मा और कृषि विभाग के अलावा सहकारिता, पशुपालन, प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर सभी कार्य करते आ रहे हैं। हम सभी पूर्णतः प्रशिक्षित और अनुभवी हैं। सन 1990 ईस्वी से विभाग में किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं किया गया। हम लोग आत्मा कर्मी जिला स्तर पर परियोजना निदेशक, उप परियोजना निदेशक, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, नाइट गार्ड कार्यरत हैं। प्रखंड स्तर पर हमारे एटीएम बीटीएम आत्मा योजना के अधीन कार्यरत हैं। कृषि विभाग के सारे योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारे आत्मा कर्मी करते हैं। काफ़ी लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को सरकार से मांग है कि हमारा योग्यता के अनुसार समायोजन किया जाए, एक सूत्री मांग है। इसके पहले हम लोग ने परसों माननीय कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया था, उनको मांग पत्र दिया, माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को अपने अधिकारियों के बीच में चर्चा करेंगे। हम लोग आश्वासन देने के बाद हम लोग ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज से कल से अनिश्चितकालीन धरना पर राजभवन में बैठने का काम किए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे रहेंगे। जी, हम सभी आत्मा कर्मियों का एक ही मांग है, कृषि विभाग के समकक्ष पदों पर जो जी की काफ़ी लंबे समय से रिक्त था उस पर समायोजन चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं काफ़ी लंबे समय से आत्मा में कार्य कर रहे हैं, और हम सभी का चयन कल आत्मा के काम के लिए हुआ था। तो कृषि विभाग के जितने भी संबंधित विभाग हैं उन सभी का काम हम लोग करते हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे भूमि संरक्षण विभाग हो, उद्यान विभाग हो, हॉर्टिकल्चर मिशन का कार्य हो, सभी में हम लोग जो भी काम दिया जाता है उसको जी जान लगा काम करते हैं। और जबकि हम लोगों को साल में केवल दो ही बार पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, और अभी भी हम लोग को काफ़ी लंबे समय से पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग सभी विभाग का काम मन से कर रहे हैं। हम लोग आत्मा कर्मी, मैं संजय कुमार सिंह, डिप्टी पीडी आत्मा रांची, पिछले हम लोग 12 साल से हम लोग कृषि और कृषि संबंध विभागों में काम कर रहे हैं। हम लोग को एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है, हमारी योग्यता में कोई कमी नहीं है। हम लोग का दुर्भाग्य है कि अभी नई नियुक्ति जो हुई है उसमें हम लोग मतलब एग्जाम में तक नहीं बैठ पाए। सरकार हम लोग को ऐसा मैंने एज के चलते हम लोग को जो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग को एक ही आशा था कि हम लोग अधिकारी बने, लेकिन हम लोग का ऐसा दुर्भाग्य और सरकार हम लोग को कभी साथ नहीं दिया। लेकिन हम सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम लोग का अब एक ही है कि हम लोग ना योग्यता में कमी है किसी से, ना हम अनुभव में कमी है, हम लोग का समायोजन मेरी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।